नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम इग्नू हिंदी ऑनर्स के तहत BHDF 101 में जो प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न है उनमें से कि मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, 4 मार्क्स का रहता है, कभी 6 मार्क्स का भी है। आज हम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2015 से लेकर 2018 तक, तो 15, 16, 17 और 18 इन 4 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे एक साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर साल का 2 प्रश्न पत्र है, तो जून 2017 में पूछा गया प्रश्न, हाथ पाव फूलना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। चूंकि यहाँ कहा गया उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो आप ऐसे अर्थ लिखकर भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं या फिर सिर्फ वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अच्छा रहेगा अर्थ लिखकर, जैसे हाथ पाव फूलना, तो यहाँ पर छोटा गोष्ठ में ऐसे लिख दें, ये बराबर ना दें यहाँ पर आप, घबरा जाना, फिर बराबर देकर अब वाक्य बना दें, तो समझे, हाथ पाव फूलना ऐसे लिखकर, जैसे मान ली प्रश्न एक का एक, तो हाथ पाव फूलना उतार दिए छोटा गोष्ठ में, घबरा जाना लिखकर बराबर देकर वाक्य बनाएंगे, चोर पुलिस को देखकर या पुलिस को देखकर चोर का हाथ पाव फूल गया, इस तरह से आप वाक्य बनाया। तो चलिए अब वाक्य बना लीजिएगा, या फिर चलिए हम बना ही चल रहे हैं, उसके पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत न समझ लायक होगा उसका अर्थ बना वाक्य बनाएंगे। हाँ, घड़ों पानी पर जाना, घड़ों मतलब घड़ा होता है मटका, पानी पर जाना मतलब शर्मसार हो जाना, बहुत शर्मिंदा होना, तो कोई एक लिख दीजिएगा, बहुत शर्मिंदा होना बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। ये तो रहा जून 2017। अब हम आते हैं जून 2017 के बाद जून दिसंबर में चलते हैं, मतलब 2017 का जून हो गया, अब दिसंबर का जून, ये रहा आपका दिसंबर 2017 का दिसंबर, 2017 का जून हो गया, साल में जैसा कि जानते हैं 2 बार परीक्षा होता है, तो ये हुआ आपका दिसंबर का 2017 का। क्या है प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर टिक है यानी इसका मतलब हुआ कि पहले आ चुका है या अभी कब आया देखते हैं हम लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे, देखिए 2015 में आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात हुआ शक्तिशाली की विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात समर्थ होना, काबिल होना, लायक होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, समर्थ होना, काबिल होना, लायक होना। आगे आते हैं हम, अब ये तो रहा जिस आपका 2017 का पेपर देखे हमने दिसंबर और जून का, अब आगे देखते हैं 2018 जून महीने का, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जैसे चांद बहुत दिनों बाद दिखता है, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना, मूंग का दाल दलना में रगड़ना, छाती पर मूंग दलना रगड़ना, पास रहकर कष्ट देना। अगला है आपका, तो ये रहा जून 2018 का,
और दिसंबर 2018 का जो है यहाँ पर नहीं है, अर्थात दिसंबर 2018 में मुहावरा आया ही नहीं है। ठीक है, याद रखे दिसंबर 2018 का दूसरा पेपर में मुहावरा नहीं आया था। वो 2018 का असल में ना एकदम अलग सा पेपर है। पिछला जितना भी 2015, 16, 17, 18, 17-18 तक, ये जून महीना तक का पेपर है, उसके बाद का एकदम अलग पेपर है ये। इसमें आपका ना तो मुहावरा दिया हुआ है, ना विलोम शब्द दिया हुआ है, ना संधि, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ, ग्रामर के नाम पर व्याकरण की जगह लिखा है वर्तनी के समान नियमों पर प्रकाश डालिए, बस यही है। अलग सा उत्तर प्रश्न पत्र है, देख लीजिएगा, अगर उपलब्ध नहीं होगा तो मैं दिखा दूंगा, आप कमेंट करिएगा अगर नहीं मिलेगा तो। चलिए आगे देखते हैं। जून 2000 हमने कहा, जून 2018 हमने पढ़ लिया, दिसंबर में ये मुहावरा नहीं आया है। आगे 2017 101 का एस करके एक स्पेशल दो पेपर था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कान खड़े होना, कान खड़े होना, आशंका या खटका, खटका होने पर चौकन्ना होना, चौकन्ना सतर्क हो जाना। अगला है मन में लड्डू फूटना, बहुत ज्यादा खुश होना, लड्डू फूटना बहुत ज्यादा खुश होना। तो ये रहा जून स्पेशल, अब इधर दिसंबर में भी होना चाहिए, दिसंबर 2000। तो इसका 101 एस के तहत दिसंबर का नहीं है, खैर कोई बात नहीं, आगे आते हैं हम लोग। अब हम देख रहे हैं जून 2015, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने देख लिया पहले ही, शक्तिशाली की विजय होती है, जो शक्तिशाली है उसकी विजय होती है, कहते हैं ना वीर भोग्य वसुंधरा, इस धरती को वही भोग कर सकता है जो शक्तिशाली होता है, चाहे शरीर से हो या मन से। शक्तिशाली मन का, शक्तिशाली अर्थात संकल्पवान होना, एक बार जो ठान लिए पूरा किए, ये शक्तिशाली का लक्षण है मन का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। दूसरा है दूर के ढोल सुहावने, ढोल मन ढोलक बाजा, दूर के ढोल सुहावने मने अच्छे लगते हैं। जो चीज दूर से अच्छी लगती हो, जो चीज दूर से अच्छी लगती हो, हम उसे बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने। अगला है जून 2016 नहीं आया है, कहा गया है तो 2016 में नहीं आया है जून में मुहावरा। उसके बाद दिसंबर 2017 का हम देख ही लिए, दिसंबर 2016 में भी नहीं आया था मुहावरा, और दिसंबर 2015 में मुहावरा आया था, हाथ पाँव फूलना कान खड़े होना, जिसका उत्तर हमने देख लिया है। तो देख रहे हैं कि एक ही मुहावरा दो तीन बार रिपीट हो रहा है, माने आ रहा है, दोहराया जा रहा है, तो इसका ख्याल रखें। ये तो रहा आपका 15, 16, 17, 18, अगर हो सके तो इससे ज़्यादा और आगे का भी देख लीजिएगा, 15 के पहले का मुहावरा, ताकि मुहावरा अगर आए तो आप पूरा बना सकें। अब चलिए हम वाक्य देख लेते हैं, जैसा कि हमने कहा हाथ पाँव फूलना, इसका वाक्य देखे थे, घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। अब ये इससे आप क्या वाक्य बनाइएगा, कल्पना करके सोचिए और फिर आप लिख दीजिए। आप जब वाक्य बनाए ना तो वाक्य में लगे कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही होगा पर लगे, नहीं तो आप जैसे यहाँ पर था हाथ पाँव फूलना, तो मेरा हाथ पाँव फूल गया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, पर मेरा हाथ पाँव फूल गया इसका मतलब भी घबरा गया हो गया, लेकिन हाथ पाँव फूल गया घबरा गया भी नहीं होता है, हाथ पाँव फूलना मतलब एक तरह से बीमारी भी हो सकती है। तो मित्रों जब आप वाक्य बनाएं तो कारण भी स्पष्ट दिखा दें, ताकि
लोगों को समझ में आ जाए या परीक्षक को समझ में आ जाए। तो यहाँ कारण के साथ बताना, जैसे कि यहाँ पहले बताया गया था कि पुलिस को देखकर चोर का हाथ पांव फूल गया, तो यहाँ पर पुलिस कारण है और चोर का फूल गया परिणाम है। तो इस सहज में समझ में आ गया कि हाथ पांव फूल गया मतलब घबरा गया वह। इस तरह घड़ों पानी पड़ गया, तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, मानो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, मानो मैं शर्मा गया, या मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया मैं शर्मा गया, ऐसे कहेंगे तो घड़ों पानी पड़ गया तो ये तो लगेगा कि घड़ा भर भर के पानी फेंक दिया गया है शरीर पर। हाँ, तो ऐसे कुछ बताएं, जैसे कि जब मैंने खाकर ठोंगा को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, तो उस बुजुर्ग ने उस ठोंगा को उठाकर डस्टबिन में डाला, यह देखकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। इस तरह से मैं शर्मिंदा हो गया, बहुत शर्मसार हो गया। ऐसे शर्त के साथ लिखिएगा ना, तो सहज होगा और सबको समझ में आ जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे 4 मार्क्स मिलते हैं, 1 पर 2 वाक्य, 1 पर 2 मार्क्स है, और आप बड़े हो गए हैं, और ये बच्चों जैसा मार्क्स लेने के लिए सिर्फ ऐसा ही ना लिख दें। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आगे भी बढ़े, मुझे लग रहा है कि आपको आ जाएगा, कुछ जरूरत नहीं। एक दो और देख लेता हूँ। छाती पर मूंग दलना, पास रह कर कष्ट देना, कोई बात नहीं सब हो जाएगा, देखिएगा। वैसे कुछ दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम सब उत्तर आपको उत्तर सारी दूसरे बच्चे दे देंगे, या हमसे भी हो सके तो हम दे देंगे। अब मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।